नमस्कार दोस्तों, अभी तक के क्लास में हम लोगों ने आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन के संबंधित टॉपिक पर विशेष चर्चा की थी। कल के वीडियो में हम लोगों ने पलासी के युद्ध के टॉपिक की शुरुआत की, जिसमें हम लोगों ने पलासी के युद्ध के पूर्व की भूमिका का विस्तृत जानकारी प्राप्त की। आज के इस वीडियो में हम पलासी के युद्ध के कारणों के संबंध में चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पलासी के युद्ध के कारणों की चर्चा करने से पूर्व हमारे समक्ष सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि पलासी का युद्ध आखिर हुआ क्यों था। बंगाल का नवाब बनने के बाद सिराजुद्दौला को अपने ही परिवार के लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा था। उसकी खाला मौसी घसीटी बेगम उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। घसीटी बेगम अली वर्दी खां की दूसरी बेटी थी, जो उसकी दुश्मन थी, या फिर यूं कहें कि सिराजुद्दौला की प्रतिद्वंदी थी। अब क्यों दुश्मन थी? क्योंकि वो अपने पुत्र शौकत जंग, जो कि बिहार का शासक था, को उस समय के सबसे अमीर प्रांत बंगाल का शासक बनाना चाहती थी। दोस्तों, घसीटी बेगम के अपने ही इंटरेस्ट थे, चूंकि वो चाहती थी कि उसका पुत्र शौकत जंग अली वर्दी खां का वारिस बने, इसलिए वो एक वैर रखती थी सिराजुद्दौला से, क्योंकि सिराजुद्दौला को वो अधिकार मिले थे जो घसीटी बेगम को लगता था कि उसके पुत्र को मिलने चाहिए थे। इसी शौकत जंग को मनिहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला कुछ समय के बाद परास्त करता है। हालांकि सिराजुद्दौला अपने मौसी और उसके पुत्र की चाल को समझ गया था और उसने अपनी मौसी घसीटी बेगम को बंदी बनाकर उनका पूरा धन और संपत्ति जब्त कर ली थी और बाद में अपने चचेरा भाई शौकत जंग को मार दिया था। इस तरह सिराजुद्दौला की छवि एक क्रूर और निर्दयी शासक के रूप में बन गई थी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मनिहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला ने शौकत जंग को पराजित किया एवं उसे मार दिया। साथ ही साथ अपनी मौसी अपनी खाला घसीटी बेगम को उसने बंदी बना लिया और बंदी बनाकर उसकी पूरी संपत्ति को जब्त कर लिया। इस क्रूरतापूर्वक निर्दयी कृत्य के कारण सिराजुद्दौला की ख्याति बंगाल के राज्य में एक क्रूर और निर्दयी शासक के रूप में बन गई। वहीं उसकी पारिवारिक फूट का ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा फायदा उठाकर बंगाल में अपना प्रभुत्व जमाना चाहती थी, लेकिन सिराजुद्दौला किसी भी हालात में बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं होने देना चाहता था, जिसके चलते बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कटु संबंध बनते चले गए और बाद में दोनों के बीच पलासी का युद्ध हुआ। दोस्तों, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण गौर करने वाली बात यह है कि अंग्रेजों ने बंगाल के राज्य में जो उनके जो राजशाही वंश के जो लोग थे, नवाब थे, और नवाब के जो साथी थे, सहयोगी थे और परिवार के लोग थे, उनके बीच जो फूट थी, उस फूट का भरपूर लाभ उठाया एवं फायदा उठाया। उन्होंने अलग अलग जो पक्ष थे बंगाल में उनको आपस में लड़वाया, या फिर जो अलग अलग पक्ष हो गए, जैसे मीर जाफर हो गया या फिर घसीटी बेगम हो गई, जिनके अपने अपने इंटरेस्ट थे और उस इंटरेस्ट के कारण वो सिराजुद्दौला से कहीं ना कहीं क्षुब्ध थे या नाराज थे। इस नाराजगी का फायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया इस बात के लिए कि उन्हें व्यापार में अधिक से अधिक लाभ मिले। दोस्तों, अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य बंगाल में शासन करने का नहीं था,
अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केवल ये चाह रही थी कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा छूट मिले या ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य कभी भी भारत के राजनीतिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने का था ही नहीं। ये तो भारत के राजघराने या राजवाड़े थे जिन्होंने उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका दिया। इसी कड़ी में हम यह देखते हैं कि पलासी का युद्ध अवसंभावी हो जाता है। अब हम लोग पलासी के युद्ध के प्रमुख कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला प्रमुख कारण है अंग्रेजों द्वारा सिराजुद्दौला के खिलाफ व्यापारियों को भड़काना। बंगाल एक बेहद धनी और संपन्न प्रांत था जिस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरू से ही नजर थी, जिसके चलते इसने बंगाल पर व्यापार बढ़ाने और अधिक धन कमाने की लालच में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ वहां के कुछ हिंदू व्यापारियों और अधिकारियों को भड़काना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों ने राजबल्लभ और उसके पुत्र कृष्ण वल्लभ को शरण दी थी, जबकि वे सरकारी धन का गलत इस्तेमाल कर ढाका से भाग गए थे, जिसके बाद सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से संघर्ष करने के बारे में फैसला लिया। दोस्तों, यहां पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंग्रेज कहीं ना कहीं जो बंगाल के नवाब थे उनके खिलाफ कार्य कर रहे थे, या फिर जो बंगाल के नवाब की विरोधी शक्तियां थी उन्हें सह दे रहे थे, शरण दे रहे थे। इसी क्रम में हम देखते हैं कि राजबल्लभ और उसके पुत्र कृष्ण बल्लभ को, जिस पर सरकारी धन के गलत इस्तेमाल का आरोप था, उसे अंग्रेजों ने शरण दी, जिसके कारण सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के संघर्ष अवसंभावी होता प्रतीत होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु है अंग्रेजों ने व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग किया। दोस्तों, हम देखते हैं कि 1717 में फर्रुखसियार के द्वारा जब सुनहरा फरमान जारी किया जाता है तो बंगाल में कर मुक्त व्यापार की अनुमति दी जाती है, साथ ही साथ उन्हें एक दस्तक प्रदान करने की अनुमति दी जाती है। इस दस्तक का जो अंग्रेज होते हैं वो दुरुपयोग करते हैं और व्यापारिक छूट का वो फायदा उठाते हैं। वो दुरुपयोग इस तरीके से करते हैं कि दस्तक जो अंग्रेजों को दिया गया था वो केवल अंग्रेज व्यापारियों को जारी करने का अधिकार था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो दस्तक भारतीय व्यापारियों को भी जारी करने लगे। इससे बंगाल के नवाब के ऊपर दो तरफा नुकसान हुआ। पहला कि अंग्रेज व्यापारी तो पहले से ही लगान नहीं चुका रहे थे, कर नहीं चुका रहे थे, वहीं भारतीय व्यापारी भी कम कीमतों पर दस्तक खरीदकर अपना व्यापार कर रहे थे, जिस कारण नवाब के पास किसी भी प्रकार का कोई कर लगभग नहीं आ रहा था। मुगल सम्राट फर्रुखसियार ने अंग्रेजों को बिना चुंगी दिए सामुद्रिक व्यापार करने की छूट दी थी, जिसका अंग्रेजों ने गलत तरीके से फायदा उठाया था। दरअसल अंग्रेज अपना निजी व्यापार भी बिना शुल्क किए करने लगे थे, साथ ही कुछ भारतीय व्यापारियों को भी निःशुल्क व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। इसकी एवज में वे भारतीय व्यापारियों से पैसा लेते थे, जिससे उनके राज्य को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचने लगा था, जिसका सिराजुद्दौला ने काफी विरोध किया था और फिर से चुंगी लगाए जाने का फैसला लिया, जिसके बाद दोनों के बीच संघर्ष हो गया। वहीं यह भी प्लासी के युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक है। अगला कारण की ओर हम आते हैं तो देखते हैं अंग्रेजों द्वारा किला बंदी नहीं करने का एक फैसला लिया गया। इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं। यह वह दौर था जब इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। इस समय सप्तवर्षीय युद्ध में दोनों एक दूसरे से लिप्त थे। सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में लड़ा जा रहा था, उसका जो इफेक्ट था, प्रभाव था, भारत के राज्यों पर भी दिख रहा था। ऐसी स्थिति में जो अंग्रेज दूसरे देशों में थे
उनके भी आपस में संघर्ष की संभावना थी, जिसके बाद बंगाल में रह रहे अंग्रेजों ने भी नवाब के आदेश के बिना अपनी अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए किलेबंदी करना और दुर्ग का निर्माण करना शुरू कर दिया था, जिसका पता चलते ही जब सिराजुद्दौला ने किलेबंदी को रोकने का आदेश जारी किया, तब अंग्रेजों ने नवाब के निर्देशों की अनदेखी करते हुए दुर्गों का निर्माण करना जारी रखा, जिससे क्रोधित होकर सिराजुद्दौला ने 4 जून 1756 में कासिम बाजार की कोठी पर अपनी विशाल सेना के साथ हमला कर दिया। वही नवाब की शक्ति को देखकर अंग्रेज घबरा गए और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। दोस्तों, कासिम बाजार की जो घटना होती है उसमें नवाब अंग्रेजों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर देते हैं। इसके बाद सिराजुद्दौला ने 15 जून 1756 में कलकत्ता पर आक्रमण कर फोर्ट विलियम घेर लिया। वहीं इस बार भी अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला के सामने खुद को कमजोर महसूस किया, जिसके बाद नवाब ने फोर्ट विलियम पर अपना कब्जा जमा लिया। इस दौरान बंगाल के नवाब ने कलकत्ता का नाम बदलकर अली नगर रख दिया और इसकी बागडोर मानिक चंद के हाथ में देकर खुद मुर्शिदाबाद वापस लौट। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल कारणों पलासी के युद्ध के कारणों को पुनः आगे बढ़ाएंगे और अन्य कारणों की भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।